दोस्तों सामने हमें एक राम भक्त दिखाई दे रहा है जो कि अयोध्या के लिए तरफ जा रहा है और रात के इस समय 11 बज रहे हैं। आप जरा सोचिए, आपको दिखाई दे 11 बजने वाले हैं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, भैया रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आइए इनसे जो हम बात करते हैं थोड़ी सी ना रोकने की कोशिश करते हैं। चलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया जी, गाड़ी में ले चलते हैं आपको? नहीं साहब, मेरी पैदल यात्रा है। पैदल यात्रा है जी? अरे ठंड बहुत पड़ रही है इस समय। नहीं नहीं, मेरी पैदल यात्रा है। अरे भैया जी रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे राम जी से मिलना है, पर मिलना है मुश्किल से जी, तभी तो वो मेरी आवाज सुनेंगे। तो भैया जी ऐसे कितने किलोमीटर से चल के आ रहे हैं आप? मैं 700 किलोमीटर से चल के आ रहा हूँ। तो रात के इस समय 11 बज रहे हैं और आपको कोई डर नहीं है? नहीं साहब, मेरे प्रभु मेरे साथ में, अयोध्या सरकार मेरे साथ में, योगी जी की सरकार मेरे साथ में। क्या बात है! अरे वाह! तो भैया रात में जंगल है, कोई खा पी जाएगा तुमको? नहीं साहब, प्रभु की मेहरबानी है। कुछ नहीं होने का? कुछ नहीं होने का। क्या बात है! तो भैया कितने खुश हो आप, राम मंदिर बनना है? मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे अंदर से हनुमान जी का हृदय नहीं है, मेरे पास चीर के दिखा देता। क्या बात है! भैया ने कितनी सुंदर बात कही, जिसके साथ राम जी हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल बांका भी नहीं कर सकता। भैया जी आपको चलते चलते कितने दिन हो गए ऐसे? मुझे करीबन 10 दिन हो गए। तो पैदल ही चल रहे हैं आप? जी भैया। तो खाने पीने कोई दिक्कत नहीं? भैया जी आप 10 दिन, आप लगभग 10 दिन से चल रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर बिल्कुल भी थकावट कैसी होती है दिखाई नहीं दे रही है। प्रभु की कृपा है साहब, बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात। मैं अपने द्वार से निकला था, अपनी माँ के पास से निकला था, तो मेरी माँ ने मुझे मना किया था, बेटा बहुत दूर है ना जा। जी मैं जिद करके निकल गया क्योंकि मुझे प्रभु दरबार में जाना था, और घर से निकलते ही ये हथेली ऐसे बिठा के लाए है ना प्रभु मुझे, कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ चमत्कार हो रहा है रास्ते पर। यानी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं राम भक्त हूँ साहब, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैं शुरू से गौ सेवा करता हूँ, सच बोल रहा हूँ, कसम नहीं खाता मैं, बिना कसम के बोल रहा हूँ, मुझे प्रभु हथेली में बिठा के ला रहे हैं, मेरे साथ चमत्कार हो रहा है। क्या बात! मैं अगर प्रभु से कहता हूँ कि थक गया तो मुझे प्रभु स्थान दे देते हैं रुकने का, मैं अगर कहता हूँ प्रभु भूख लग रही है तो मुझे खाना दे देते हैं खाने के लिए। क्या बात है! मेरे आज जूते चोरी हो गए थे रात में, मुझे प्रभु ने बाराबंकी से दो भैया मिले, मुझे ब्राह्मणी बच्चे थे, उन्होंने मुझे नए 1500 रुपए के जूते दिलवाए साहब। और अभी आपको ठंडी लग रही थी? अभी मुझे सर्दी लग रही थी, आप दोनों भाई मिले मुझे और मुझे चादर दिया। मेरे राम जी नहीं है मेरे साथ तो कौन कर रहा है ये सब? क्या बात है! ये मेरे प्रभु ही है मेरे पास। सत्य बात है भैया, सत्य बात। दोस्तों स्वयं नहीं आए, प्रभु ने आपको, भगवान ने हमको भेजा है, सही और आप मेरे पास आए। जी जी, जी क्या बात। मैं आप दोनों भाइयों के लिए बोलना चाहूंगा कि भैया ऐसे लोगों के लिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इनको लाइक नहीं करेंगे, इनको कमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसे अपना सनातन धर्म पीछे हो जाएगा साहब। और मैं सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा, अगर आप ऐसे सनातनी को शेयर नहीं करेंगे तो किसे शेयर करेंगे? किसे शेयर? इन भाइयों के लिए जो है एक शेयर तो बनता है, क्योंकि मोदी जी के मना करने के बाद भी ये देखिए राम जी के लिए भक्ति देख लीजिए कि अयोध्या पर जा रहे हैं और पैदल पैदल जा रहे हैं। अगर मोदी जी मना नहीं करते तो शायद ये पूरा जो भारत है हमारा अयोध्या पहुंच जाता, अयोध्या की धरती संभालनी पड़ती साहब। इसलिए मोदी जी ने निवेदन किया, मना नहीं किया। जी जी सही बात, निवेदन। क्या बात है भैया, क्या बात, मना नहीं किया, निवेदन किया है। सही, मोदी जी ने निवेदन किया है, कृपया आप ना आए। जी जी जी, पर जो जिद्दी सनातनी है वो अपने प्रभु की चरण वंदना तो करने जाएगा ना साहब मेरे जैसा। सही बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसकी तो बयान नहीं कर सकता ना जी, बिल्कुल सत्य बात है। पहुँचाओ, कितने दिन पहुँचाओगे अयोध्या? मैं कल संध्या तक की पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, पर ना अगर पहुँचा तो परसों तो मैं अयोध्या सरकार में अपना सर नवा दूंगा साहब। क्या बात है भैया, ऐसा लग रहा कि आपके मन में इतनी खुशी है राम मंदिर बनने की कि बयान नहीं कर सकता। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं हनुमान होता तो चीर के दिखा देता। अरे वाह, मैं बयान नहीं कर सकता। तो भैया इतनी ठंड नहीं, इतनी ठंड पड़ रही, ठंड नहीं लग रही क्या? प्रभु के दरबार में जाने की जल्दबाजी है साहब, कैसे ठंड पकड़ेगी? भैया आप ही क्या, ये दुनिया भी बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी है इस दुनिया में पूरे भारत के सनातनी लोगों को। हम सनातनी नहीं कर सकते इस चीज को बयान साहब, नहीं कर सकते। भैया आप योगी जी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हो? बस मेरे एक बार योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए मोदी जी के राज्य में, तो मैंने बहुत अच्छे दिन देख लिए। अच्छा, सही बात। हाँ, अब मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जो हिंदुस्तानियों के लिए होगा, सनातनियों के लिए होगा। क्या बात है! सफाई और बिल्डोजर बाबा अभी तक तो यूपी में देखे थे, अब मैं हिंदुस्तान में देखना चाह रहा हूँ। क्या बात है! बहुत सुंदर भैया, ऐसे कमेंट नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे ऐसे लोगों को तो ये सनातन पीछे हो जाएगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सर झुका के इन लोगों को कमेंट करें, शेयर करें,
जिससे ये धर्म में और आगे बढ़ाए, ऐसे सौ और दे, और आपकी कृपा से आपके शहर से ये लोग अपने सनातन धर्म को और आगे ले जाए ऊंचाइयों पर। भैया सनातन धर्म को तो आप जैसे लोग आगे लेकर के जा रहे हैं, जो ऐसे सपूत है जो कि अब भगवान की वंदना के लिए, भगवान के नमन चरणों के लिए, चरणों में नमन करने के लिए आगे निकल चुके हैं। इसमें आपका भी तो योगदान है ना, आप हमारी वीडियो बना रहे हो, आप हमें प्रोत्साहन दे रहे हो, जिससे हमें बोलने का मौका मिल रहा है, कई सनातनियों को देखने का मौका मिल रहा है। जी जी, बहुत सुंदर, आपका भी तो इसमें सहयोग है ना हम लोगों के साथ में। प्रभु जी जी, कृपा है सनातन धर्म को। भैया अगर आप जैसे भक्त ना मिलते तो ये सनातनी भी हम कहाँ दिखा पाते, आप जैसे भक्त हैं। कृपा है जी जी। तो जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम। तो दोस्तों भैया निकल चुके हैं अपने पथ पर आगे, ये देखिए क्या बात है, ऐसे ही सनातन की ध्वजा जो है लहराती रहे हमेशा हमेशा के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।